स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान में अब रोटी के भी लाले पड़ गए हैं, क्योंकि इमरान सरकार के पास अब 3 हफ्तों से भी कम वक्त का गेहूं बचा है। ऐसे में कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है, यानी कि रमजान के पाक महीने में इमरान खान की जमकर फजीहत हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए, पाकिस्तान में लोग कोरोना संकट से उभरे नहीं कि अब यहाँ भुखमरी संकट आ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की आवाम को अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। लोग यहाँ गेहूं के एक एक दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास केवल 3 सप्ताह के लिए ही गेहूं बचा है। इस बात का खुलासा खुद पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने किया। वित्त मंत्री शौकत तारीन ने बताया कि देश को 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं भंडार की तत्काल जरूरत है। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी यानी NPMC के मुताबिक इस साल गेहूं का अनुमानित उत्पादन 2.6 करोड़ मीट्रिक टन बताया गया है, जो कि आने वाले साल की कुल खपत की तुलना में 30 लाख टन कम है। इसलिए देश को आयात करके रणनीतिक भंडार का निर्माण करना होगा। असल में तारीन नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक कर रहे थे, जिसमें ये बात सामने आई और शौकत तारीन की टेंशन बढ़ गई, जिसके बाद बैठक में बताया गया कि पाकिस्तान में गेहूं का भंडार पिछले सप्ताह 6,47,687 मीट्रिक टन ही बचा, जो कि मौजूदा उपभोग स्तर के मुताबिक केवल 2.5 सप्ताह चलेगा। अप्रैल अंत तक यह स्टॉक कम होकर 3,84,000 मीट्रिक टन रह जाएगा। पाकिस्तान में गेहूं की ये किल्लत ऐसे समय पर हुई है जब फसल की कटाई चल रही है और नापतोल पूरा हो चुका है। वहीं महंगाई भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम गेहूं के एक एक दाने के लिए तरस रही है। NPMC के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का स्टॉक 40 लाख मीट्रिक टन है, जो सिंध में 57,000 मीट्रिक टन, पखनुक्वा में 58,000 मीट्रिक टन और पास्को में 1,40,000 मीट्रिक टन से कम स्टॉक है। बलूचिस्तान प्रांत की सरकार ने गेहूं का कोई स्टॉक नहीं किया। वित्त मंत्री शौकत तारीन ने जरूरी वस्तुओं के रणनीतिक भंडार के महत्व का जिक्र करते हुए प्रांतीय सरकारों और संबंधित विभागों को जल्दी गेहूं चीनी की खरीद का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रणनीतिक भंडार के लिए पाकिस्तान को विदेशों से गेहूं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इस साल 260 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन का अनुमान है, जो कि वार्षिक उपभोग जरूरत से 30 लाख टन कम है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान की टेंशन भी लगातार बढ़ गई है। इमरान खान जब से सत्ता में आए हैं, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से जूझना पड़ रहा है। अब कोरोना संकट के बीच गेहूं संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान के पास बस 3 हफ्तों का ही गेहूं बचा है, जिससे वहां हाहाकार कट रहा है। ऐसे में इमरान खान फिर दूसरे देशों के आगे मदद के लिए हाथ फैला रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।